वार्ड नंबर 16 दरगाह से जुझारू जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भाई विजय प्रताप सिंह उर्फ रुदल सिंह को भारी मतों से वोट देकर जिताना है और जिला पर भेजना है और जनता जनार्दन से बस यही उम्मीद है और कहना है। वो देखो तो होता लोगावा सारा विजय प्रताप सिंह हमारा खो होता लोगावा सारा विजय प्रताप सिंह हमारा। अरे रुदल सिंह के बधाई से हरावा से रवा जीती समरिया प्रत्याशी आए सब लोगों को वोट की चिंता है लेकिन विजय प्रताप सिंह उर्फ रुदल सिंह एक ऐसे जुझारू प्रत्याशी है जो सत्ता में आने से पहले एक काम कर दिए हैं और देवरांचल क्षेत्र के लिए जिसको कोई नहीं जानता है सिकड़ी कोल बंधे से लेकर और बसहवा टोला तक 4.5 किलोमीटर की पिच के लिए इन्होंने लड़ झगड़ करके और ठेकेदार एक कोट कंकड़ गिराने की बात कह करके 190 लाख रुपए गबन कर गया यानी खा गया जिसको देवरांचल या पूरा वार्ड नंबर 16 दरगाह की जनता को नहीं मालूम है। जिसके लिए भाई रुदल सिंह ने जिला पर जा करके और फाइल निकलवा करके इस रोड का भंडा फोड़ किए और ये जज्बा रखते हैं और वादा करते हैं कि वो जीते या न जीते लेकिन सिकड़ी कोल बंधे से लेकर के और बसहवा टोला तक जो रोड है उसको पिच कार्य किया जाएगा और बहुत जल्द किया जाएगा। तो इस बात को अमन करना है और ध्यान रखना है और भाई रुदल सिंह को भारी से भारी मतों से जिताना है कहना है। विजय प्रताप जेवन बड़े कैले उनके हुना कैला तू हो का
बूढ़ जवान का सज छात्र नौ जवान का अरे बूढ़ावा काका कहे ले अबकी विजय प्रताप के लहरिया हेले अबकी विजय प्रताप के लहरिया कमरिया कसल रुदल भैया लड़िया जीती है रुदल भैया साथियों रुदल भाई ऐसे प्रत्याशी है जो ऊंच नीच जात बिरादरी का भेदभाव नहीं करते हैं तो कहना है अरे ऊंच नीच के भेद न करे सबके गले लगावे वार्ड नंबर 16 की जनता से यही अपील है निवेदन है कि भाई रुदल सिंह को भारी से भारी मतों से जिताएं और जिला पर भेजने का काम करें। वार्ड नंबर 16 के पहरुआ सबही के हवे दुलरुआ नंबर 16 के पहरुआ सबही के होवे दुलरुआ अरे दरगाह सूखी चौरी कहे साथे सिसवा बखरिया ये दरगाह तू की चौरी कहे साथे सिसवा बखरिया।